या शाम को 6 बजे कल सुबह 11 और 6 दो टाइम खाना को मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। पूरा बिहार इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। ऐसे में अगर हम आपको बताएं तो जगह जगह पर शिविर भी लगाए जा रहे हैं और जितनी भी कह सकते हैं कोशिश बिहार सरकार की ओर से की जा रही है वो जनता के बीच में देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर हम आपको बताएं तो खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो को साझा करते हैं। अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से राजेश वर्मा अपने क्षेत्र खगड़िया में जाते हैं। पूरे बिहार में बाढ़ की स्थिति है, ऐसे में राजेश वर्मा अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। कई दफा तस्वीरों को उन्होंने साझा किया है कि कभी जगह जगह पर जाकर वो बाढ़ पीड़ितों की मदद करते नजर आते हैं। बीते दिन हमने भी आपको एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें राजेश वर्मा एक सीओ को फटकारते नजर आते हैं। वजह यह थी कि जो सीओ थे वो जनता को खाना नहीं दे रहे थे, जो सरकारी पैसे थे अपने जेब में रख रहे थे। 11 बजे 6 बजे या शाम को 6 बजे कल सुबह 11 और 6 दो टाइम खाना को मिलना चाहिए। अब आज की एक तस्वीर सामने आती है जहां पर राजेश वर्मा बाढ़ पीड़ितों के बीच में अनाज बांटते नजर आते हैं, खाने की सामग्री को बांटते हुए नजर आते हैं। अभी देखिए हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राजेश वर्मा को देखते ही खगड़िया की जो जनता है वो इकट्ठा हो जाती है खाने को लेने के लिए, खाने की जो सामग्री है उसको लेने के लिए। कह सकते हैं कि एक लंबी लाइन लगी हुई है। राजेश वर्मा जिस तरीके से वहां पहुंचे हैं ये पहली दफा नहीं है जब राजेश वर्मा अपने क्षेत्र में गए हैं। इससे पहले भी कई दफा राजेश वर्मा अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी पूरे बिहार में आपदा की स्थिति है ऐसे में सभी जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि अपने अपने क्षेत्र में जाएं और जनता की मदद करें। देखिए राजेश वर्मा जब से बिहार में बाढ़ की स्थिति आई है तब से लगातार हर एक दिन अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, खगड़िया में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। और अभी जो वीडियो आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहले तो वो खाने की सामग्री को वितरण करते नजर आते हैं, फिर अपने ही हाथों से जो लोग हैं उनके बीच में खाना परोसते नजर आते हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको खिलाते नजर आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बीच में खाना बांट रहे हैं। क्योंकि अभी की जिस तरीके की स्थिति है पूरे बिहार में, लोगों को सख्त से सख्त जरूरत है खाने की, खाने की साथ ही साथ सर पर एक छत चाहिए। तो कई दफा राजेश वर्मा त्रिपाल से छत बनाते दिखाई देते हैं, तो कई दफा राजेश वर्मा खाने की सामग्री को भी देते नजर आते हैं। इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से राजेश वर्मा खाने की सामग्री को बांट रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को अपने ही हाथों से खाना भी परोसते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।